सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज होती है दोस्त। हम साले इतने बड़े कायर बन जाते हैं, हम इतने बड़े स्लेव्स बन जाते हैं रिलेशनशिप्स में कि हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत इजीली क्रश होने देते हैं। कि पहला मोमेंट में जब क्रश हुई हो तो हमसे ये नहीं होता रिवोल्ट करें, प्रोटेस्ट करें, हम साथ साथ कहें भैया हटो हटो। तमीज से कह रहा हूं, प्यार से कह रहा हूं, ये नहीं एक्सेप्ट कर सकता मैं, ये नहीं हो सकता। मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ऊपर है। अगर इज्जत से नहीं रह सकते, तमीज से नहीं रह सकते, मैं सिंगल बहुत खुश हूं मैं। जाओ भाई, तुम जाओ किसी और के साथ करो ये सब, मेरे को मैं आई एम नॉट, बहुत गलत लड़के पड़ गई हूं चक्कर में, मुझे ये सब नहीं चाहिए, ना मैं सभी सोचता हूं, ना मैं एक्सेप्ट करूंगा, ना मैं तुम्हारे साथ करने वाला था। सिंपल, अगर तुम लड़की हो तो ये बात लड़की से कहो, एक जो तुम्हारे साथ कर रहा है। अगर यही है जिंदगी में जीने का असली उसूल, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर रखोगे दोस्त, खुश रहोगे जिंदगी भर। क्योंकि अगर वो रिलेशनशिप नहीं चलती ना, अगर वो रिलेशनशिप ब्रेक टूट जाती है तुम्हारी रिलेशनशिप, और तुम बैठो बैठ के दुखी हो रहे हो, और नहीं होगे दुखी, क्यों? तुमने घोसले तोड़ी तो अपनी इज्जत के ऊपर तोड़ी। तुमने कहा भाई जो भी था, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता था अपनी इज्जत को लेके, अपनी सेल्फ एस्टीम को लेके, अपनी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को लेके। ये एक चीज है, जब तुम जिंदगी पहली बार करोगे ना, तब तुम इसका महत्व, अर्थ और बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी अपने बारे में। एक प्राइड होगी तुम्हें रहो कि भाई हाँ, अपने लिए खड़ा हुआ हूं। भाड़ में जैसी रिलेशनशिप साले भाड़ में जाएगा, बट मैं अपनी इज्जत करता हूं। जिसको रहना साथ में, इज्जत से रहे। तुम कहेंगे तीस मार खां, खलीफा नहीं हो मादर चोर, कोई मियां खलीफा नहीं हो तुम, सिंपल लड़की हो, करोड़ों हैं तुम्हारे ऐसे, मेरे ऐसे भी करोड़ों हैं, मैंने डिनाई नहीं कर रहा, समझे, लेकिन मैं इज्जत से ट्रीट कर रहा हूं। और वो करोड़ों करे ना करे, उसका मुझे भरोसा नहीं है। तुम्हें मेरे साथ रहना है, तुम्हें करना पड़ेगा, नहीं तो तुम ऐसे करोड़ों में जिनमें और मैं ट्राई करके देख लूंगा। सिंपल, डरो नहीं मादर चोद, मर्द बनो, सीरियसली मर्द बनो। कोई भी रिलेशनशिप बना रहे हो, कोई भी रिलेशनशिप बना रहे हो, उसकी फाउंडेशन सेल्फ रिस्पेक्ट रखो। सामने वाले इंसान से कहो भाई तुम मेरे बराबर हो, मेरे से बड़े नहीं हो, मेरे से छोटे नहीं हो, तो मैं छोटे से ट्रीट नहीं करूंगा, मैं बड़े से ट्रीट नहीं करूंगा। लेकिन भाई दबाने वाला, चुतियापे वाला, ये सब फर्जी का मैनिपुलेशन, समझ रहे हो, ये तफरी तफरी में मेरे को दबाने की चीजें, ये सब अलाउड नहीं है भाई। इज्जत से रहो, तमीज से रहो, प्यार से रहो, और तफरी में सब कुछ चलता है। बट अगर कोई चीज मुझे चोट लग रही है और तुम्हें फर्क नहीं पड़ रहा, अभी कोई चीज मुझे हल्की सी कूल नहीं लगेगी, भाई मुझे लग रहा है हाँ ये क्या है, और तुम्हें लग रहा है नहीं नहीं तो मैं तो ऐसी हूं, मैं तो नहीं बदलूंगी, तो कहो भैया बटो और मर्द बनो। यू विल फाइंड अ ब्यूटिफुल पर्सन वन डे, क्योंकि आप ट्रायल एंड एरर, टर्मिनेशन जो कर रहे हो ना तुम्हारी लाइफ में, तुम जो फालतू चीजें तुम्हें जो मिल रही हैं, तुमको टर्मिनेट कर देते हो। बहुत ज्यादा लड़के सफरिंग क्यों है, इतनी घटिया रिलेशनशिप में क्यों है, सफर क्यों कर रहे हैं, डिप्रेशन में क्यों आ गए, भोसड़ी की एक रिलेशनशिप मिली जिसमें वो दब रहे हैं, जिसमें वो इंसान भोसड़ी का कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार ही नहीं, वो अपनी जिंदगी अपने टर्म्स पे जी रहा है, आपकी गांठ फट रही है, लेकिन आपने कहा नहीं मैं ब्रेकअप नहीं कर पाऊंगा, मैं उसके टर्म्स जितने भी हैं बुरे, जो खराब सड़े हुए से घटिया से जो मुझे चोट पहुंचा रहे हैं, मैं वो तैयार हूं मैं एक्सेप्ट करने को। भाई कुछ मिल रहा है तो वो तो बेटर है ना कुछ ना मिलने से, ये कोई लॉजिक नहीं है मादर चोद। तुम्हें हो सकता है अब एक बार कोशिश करो, चांस हो, एक रिस्क लो, भोसले की अगली रिलेशनशिप में बहुत हो सकता है बड़ी खुशियां मिले। अबे बेटी चुप, ट्राई तो करो, जिंदगी को कम से कम एक चौड़े मर्द की तरह जियो तो। अबे ये तुम क्यों अजम्पशन लेके चल लो कि मेरे को तो कुछ मिलेगा ही नहीं, अरे मैं तो लायक ही नहीं, अरे मुझे मिल रहा, अरे भाई चलो ठीक है थोड़ी सी है साइको तो क्या हो गया, एटलीस्ट लड़की तो है मेरे पास। अभी कोई लॉजिक है भोसड़ी के, मतलब अभी कोई जीने का तरीका है? साले एक जिंदगी मान रखी हो, सबसे बेस्ट इंसान के साथ रहो ना, और ये किसने कहा तुम्हें बेस्ट इंसान मिलेगा नहीं? अरे भोसड़ी अपने आपको अगर रिलेशनशिप में भरे रहोगे, जिसमें गाली खाते रहोगे, नीचे दबे रहोगे, जैसे खुशी नहीं मिलेगी तो दूसरा इंसान मिलेगा कहां से? अपनी जिंदगी में फर्क, सिंपल सा लॉजिक है भाई, कॉम्प्रोमाइज मत करो, सॉरी यार, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज मत करो, कॉम्प्रोमाइज मत करो, अपनी जिंदगी पे तबाह के वर्क करो, वर्क करो, उठाओ अपने आप को, बस अपनी जिंदगी को बहन चोद, कुछ भी हो जाए मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं मांगने वाला। हो सकता है दो तीन दिन मेरे दिन वेस्ट हो जाते हैं, तीन दिन बाद लेकिन वापस अपने काम पे आ जाऊंगा भैया, बस उतना ही मैं अलाउ करूंगा। अपनी जिंदगी जबरदस्त बनाओ और सिंपल, मैं डिजर्व करता हूं खुशी, जो मैं काम में अपने लिए चाहता हूं, पैसे में अपने लिए चाहता हूं, जिंदगी की लाइफ स्टाइल में चाहता हूं। तुम भोसड़ी के फोन खरीदने आते हो क्या, तो कॉम्प्रोमाइज करते हो? तुम्हें भोसड़ी कहो मेरे को मैं 1,00,000 रुपए दे रहा हूं इस फोन के लिए, या 50,000 रुपए दे रहा हूं मैं इस फोन के लिए, कहो नहीं लेकिन सर आपको हम दे तो दे रहे हैं 50,000 फोन, लेकिन सर कैमरा नहीं चलेगा सर,
लेकिन आपको फोन तो हम नहीं देंगे और आपको खरीदना पड़ेगा, तो क्या लोगे भोसड़ी के? कहोगे भाग मारते चो 50,000 रुपये देना छूटे समझा क्या? ये लॉजिक बाकी चीजों में क्यों नहीं लाता अपनी जिंदगी में बे? बाकी में कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, भोसड़ी लैपटॉप खरीदने जाओगे माता चो पूरी दुनिया भर की कन्फिग्रेशन पढ़ लोगे, 400 भोसड़ी के वीडियो देख डालोगे, 400 लोगों के साथ घर में बगल में बैठ जाओ, उनका लैपटॉप पूरा चाक चेक मार लोगे, ये कर लोगे, अपनी लाइफ पार्टनर देखने में माता चो जो मिल जाए चलेगा। ये कौन लॉजिक हुआ भोसड़ी के? एक लैपटॉप माता चो ज्यादा बड़ी चीज है, एक लड़की ज्यादा बड़ी चीज है? अरे बेटी चोदो थोड़ा सा दिमाग खोलो और इतना भोसड़ी के पुसी बनना बंद करो, फट्टुओं की तरह गांडू की तरह भोसड़े के लड़की के पीछे मर जाएंगे बाद चौथे की लड़की मिल गया चली जाएगी तो क्या हो जाएगा? अरे बेटी चोदो थोड़ा चौड़े मर्द की तरह जियो बे, ठीक है जारी जाने दो भोसड़ी के, बहुत मिलेंगी बहुत है दुनिया में, यही तो मैं तुम समझते नहीं हो माधर चोद, अपने आप को कम समझ के बैठ गए तुम कम हो, ये किसने कह दिया तुमसे तुम कम हो बे? बनाओ अपनी ताकतवर बनो, दुनिया में ताकतवर बनो, मैं यही तुम्हें समझाता हूँ बार बार, ताकतवर बनो भोसड़ी के, ताकत के पीछे दुनिया नाच रही है, ये सच है, भाड़ में गई फिलोसफी सच है, ये आंख खोल के देखोगे देखेगा ताकत जिसके पास है वो राजा है, उसके ऊपर आगे पीछे दुनिया नाच रही है, अब अगर वो दिख रहा है क्लियर उसमें बैठ के अपने फिलोसफी और मोरालिटी लौड़ा लसन एथिक्स का चोद रहे हो यार, जब उसमें अप्लाई नहीं होते तो चोद के तो मैं तुम्हें पूरी दुनिया में हर एक कॉन्सेप्ट लॉजिक का क्या क्या बना दो भी, मतलब मेरे सामने बैठ जाओ उसकी के उससे बनाने से अभी मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे अगर मैं परसेप्शन बदल दूं दुनिया की रियलिटी तो नहीं बदल जाएगी ना। समझे मर्द बन मेरे भाई, थोड़ा भी अगर कुछ समझ में आया हो दोस्त तो सब्सक्राइब कर भाई इस चैनल को, ठीक है दोस्त चल काम कर।